subscribe to my channel, and hit the bell icon so you never miss any. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, బయాలజీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మే ఆప్కా స్వాగత్ హై. ఫ్రెండ్స్, ఆజ్ మే ఆప్కో ఇంటర్మీడియట్ 2019 పరీక్షా కే లియే యూపీ బోర్డ్ ద్వారా దినాంక 19/7/18 కో జారీ भौतिक विज्ञान के आदर्श प्रश्न पत्र का हल दे रहा हूँ, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखें. पहले क्वेश्चन का फर्स्ट आप क्वेश्चन है, आप दो चालकीय गोले जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं, समान आवेश घनत्व द्वारा आवेशित हैं, इनके निकट पृष्ठों के वैद्युत क्षेत्र का अनुपात है. इसका अनुपात होगा वैद्युत क्षेत्र का R2² / R1² इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक धात्विक प्रतिरोध एक बैटरी से जुड़ा है. मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रतिरोधक में धातु के धनायनों से टकराने की संख्या कम होती है तो धारा बढ़ेगी. डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? डोमेन लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं. किसी कैथोड पृष्ठ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति होगी. पृष्ठ का कार्यफलन दिया हुआ है, फार्मूला लगा देंगे. कार्यफलन W=h𝛎, फ्रीक्वेंसी न्यू पूछा है, W/h सॉल्व कर लेंगे. ये आपको इसका आंसर आ जाएगा 8×10⁴ हर्ट्ज़. इसके बाद क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है. उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के प्रयोग से दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है. दूसरे का पहला क्वेश्चन है, परावैद्युत सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है? किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए महत्तम अथवा अधिकतम वैद्युत क्षेत्र लिए बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, यही परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है. सेकेंड क्वेश्चन है, अनुनाद परिपथ में LCR परिपथ के शक्ति गुणांक का मान बताइए. LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक cos φ = R/Z. अनुनाद की अवस्था में XL = XC होगा तो Z = R हो जाएगा और cos φ की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो यही इसका शक्ति गुणांक cos φ 1 होगा. अगला क्वेश्चन है, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होगा? तो 600 नैनोमीटर का दृश्य क्षेत्र में होगा. प्रकाश का वह अभिलक्षण बताइए जो अपवर्तन की घटना में अपरिवर्तित रहता है. प्रकाश का अभिलक्षण अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ा रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, λ′ = λ/n से n की वैल्यू निकाल लिए, λ/λ′. अतः तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर λ′ बढ़ेगा तो अर्थात λ′greater than λ है, अपवर्तनांक n का मान कम हो जाएगा. λ′ की वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू कम हो जाएगी. इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, एक आवेश क्यू को दो भागों में किस प्रकार विभाजित करें कि उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगे. तो मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, इसको दो भाग में तोड़ दिए, एक Q′ हो गया, दूसरा Q−Q′ हो गया. फार्मूला लगा दिए अधिकतम बल का, F = 1/4πε₀ Q′(Q−Q′)/R². फोर्स मैक्सिमम कहा है तो इसके लिए DF/DQ′=0. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/4πε₀ क्यू इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सॉल्व कर लिए, R²=0, Q−2Q′=0, तो Q′=Q/2. यानी कि यदि दोनों को हाफ हाफ में तोड़ा जाए बराबर भाग में तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल मैक्सिमम होगा. खा है, चित्र में दिए गए गेटों
तथा क्यू के नाम बताइए तथा निर्गत सिग्नल वाई की सत्यता सारणी बनाइए। फ्रेंड्स ये रहा पी और क्यू दो गेट, पी जो है वो नैंड गेट है और जो क्यू जो है वो आर गेट है और ये उसकी सत्यता सारणी हो गई। 00 का 11, 01 का 11, 10 का 11 और 11 का 01। इसके बाद तीसरे का अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में जुड़े तीन प्रतिरोध वाटों में प्रत्येक 2 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 18 वाट तक विद्युत शक्ति दी। गा नंबर का क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में जुड़े तीन प्रतिरोध वाटों में प्रत्येक 2 ओम का है तथा प्रत्येक को अधिकतम 18 वाट तक विद्युत शक्ति दी जाती है अन्यथा वह पिघल जाएगा, पूर्ण परिपथ कितनी अधिकतम शक्ति ले सकता है। तो ये इसका सर्किट है, इसके लिए मैंने वाट में पहले निकाल लिया पी इक्वल आई स्क्वायर आर, करंट निकाल लिया पी अपान आर, 18 वाट दिया जा रहा है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, सॉल्व कर लिया 3 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी। फिर इसके बाद इसका पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दो ये दो पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लिया 3 ओम का ये पूरा रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का। इसके बाद फिर पी इक्वल आई स्क्वायर अपन आर से सॉल्व कर लिया, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम और ये रेजिस्टेंस, ये इसको पूरा सॉल्व करने पर 27 वाट तक, मतलब ये पूरा अधिकतम शक्ति ले सकता है, ये पूरा परिपथ 27 वाट तक की शक्ति ले सकता है।